तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं सिलेक्शन मेथड। जी हाँ, सिलेक्शन मेथड आज का हमारा टॉपिक है। देखिए, पहली क्लास में सिलेक्शन कराने के पीछे रीजन ये है क्योंकि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा वर्क जो होता है वो सिलेक्शन पे होता है। क्योंकि अगर मुझे कॉपी करना है, हमें पेस्ट करना है, हमें फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करना है, पिवट लगाना है, फिल्टर लगाना है, एनीथिंग आपको कुछ भी करना है तो नीड टू सिलेक्शन। बगैर डेटा सिलेक्ट किए हुए आप जो है कुछ नहीं कर सकते ना सर। सो सिलेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके यस सर। सॉरी सर, म्यूट हो गया था, मुझे पता नहीं था म्यूट बटन दब गया था। जी, चलिए। हाँ, सिलेक्शन जो है म्यूट दब मेरे पर मुझसे म्यूट बटन दब गया था। सिलेक्शन जो है क्या होता है, सिलेक्शन के बारे में बता रहा था। तो एरिया को, जिस जो एरिया है इसको जब तक हम सिलेक्ट नहीं करेंगे कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ तक कि कोई फॉर्मेटिंग, कोई कलर भी अप्लाई नहीं कर सकते जब तक कि हम सिलेक्ट ना करें। तो सिलेक्ट करने का ऑप्शन क्या है, तो सबसे पहले हम कीबोर्ड से चलते हैं। तो कीबोर्ड सिलेक्शन के लिए हम शिफ्ट दबाते हैं और राइट की के साथ चलते हैं एंड डाउन करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर मुझे अगर माउस से करना हो तो माउस से हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और क्लिक को होल्ड रखते हुए आगे से बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम ऑटो सिलेक्शन की बात करें तो दो तरीका है। पहला है कि आप जो स्टार्टिंग को सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ लास्ट वाले को सिलेक्ट करें। ठीक है, समझे सर? हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ सर, आवाज आ रही है। तो मैं बोला था कि हम स्टार्ट इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, जी। इसको सिलेक्ट किया और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट किया तो आसानी से हो गया। स्टार्टिंग और एंडिंग आपने सिलेक्ट किया और स्टार्टिंग और एंडिंग आप एंडिंग यहाँ पे आपका हो गया। ठीक है, जी जी जी। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, अगर मान लो कीबोर्ड सिलेक्शन करना हो तो हम कंट्रोल ए करते हैं। एक बार कंट्रोल ए करेंगे तो ए सिलेक्ट होगा, एक बार और कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा का पूरा एक्सेल शीट सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी जी, ठीक है। कंट्रोल ए, तो एक बार कंट्रोल ए कीजिए, पूरा का पूरा शीट सिलेक्ट हो जाएगा। हाँ जी जी। लेकिन कंट्रोल ए जब करते हैं तो एक दिक्कत होता है, जैसे बीच में अगर मैंने पूरी की पूरी रो अगर ब्लैंक कर दी तो क्या होगा, कंट्रोल ए सिर्फ इतना ही होगा, इसके नीचे नहीं होगा। समझे क्यों? कोई कंटिन्यूअस था, पूरी की पूरी रो ब्लैंक होनी चाहिए। अगर बीच में मान लीजिए कि यहां अगर लिखा हुआ है तो ए जो है फिर सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पूरा का पूरा रो ब्लैंक हुआ तो अगर इसकी हम देखें, इसको हमने सिलेक्ट किया, अगर बीच में अगर मैंने मान लीजिए कि यहाँ हमने टाइप किया, यहाँ टाइप किया तो फिर सिलेक्ट हो जाएगा। अगर नहीं टाइप है तो ए आपका यहीं पे आ जाएगा। मतलब एक एक दो होना चाहिए उसमें, मतलब खाली ब्लैंक रो या कॉलम में। हाँ जी जी, ठीक है। अब इसमें अगला ऑप्शन आता है, एक बॉलर।
अब इसमें ऐसा ऑप्शन आता है, एक बार यहाँ भी प्रॉब्लम आती है कि कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे, तो कंट्रोल के साथ एक नॉर्मल एरो खींचेगा तो सही होगा, कंट्रोल के साथ अगर मैं डाउन किया तो डाउन आ जाएगा, लेफ्ट अप राइट इस तरह से, ठीक है जी जी, इस तरह से आएगा, ओके जी सर। लेकिन इसमें दिक्कत है कि अगर कहीं पे ब्लैक, क्योंकि सीरीज को करता है, सीरीज को समझे कि नीचे से यहां आता है तो पूरा फिल है, अगर बीच में कहीं ब्लैंक हुआ तो ये ऊपर ही रुक जाएगा, ओके अब मान लीजिए कि अगर बहुत सारा ब्लैंक है और मुझे नीचे जाना है, सबसे लास्ट में जाना है, तो क्या करेंगे हम? तो जैसे मैं बताया कि सीरीज को मेंटेन करता है, फिल है तो फिल, ब्लैंक है तो ब्लैंक, तो मैं यहां पे ए 65,000 टाइप करूंगा, ए 65,000 नीचे आ गए, और यहां से कंट्रोल अप एरो प्रेस करूंगा, पहुंच गए सबसे लास्ट में, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही आपका एक्स एफ डी, लास्ट कॉलम क्या है आपका, एक्स एफ डी 1, एंटर प्रेस कीजिए, लास्ट में पहुंच गए लास्ट में। अब मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करूंगा तो यहां आ जाऊंगा लास्ट वाले पे, आगे लास्ट वाले पे, समझ गए जी 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 सर। तो सर ये बताइए कि जैसे एक होता है कि कंट्रोल प्लस एरो दबा देते हैं तो सीधे एकदम 65,000 लास्ट के कॉलम्स पे पहुंच जाएंगे, और उसी तरीके से रोज के लिए भी होता है, तो क्या मतलब डायरेक्ट करके ऐसे भी तो कर सकते हैं बिना लिख के भी तो सर नेम स्पेस पे? नहीं, जैसे कि यहाँ से आपको तो फिर नहीं समझे, हम बात करेंगे छोटा डेटा है ना, बड़ा डेटा होता तो मुझे लास्ट पे जाना है, कैसे आप कंट्रोल एंटर दबाएंगे, बीच में कहीं ब्लैंक होगा तो ब्लैंक पे ना रुक जाएगा आपका, और कई सारे नहीं समझे, कई सारे ब्लैंक्स पे रुकेगा फिर, यही कहने का। हाँ, कई सारे ब्लैंक्स पे रुकेगा, तो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि आपका अगर डेली डेटा आया हुआ है, आपने मंथली डेटा मंगाया हुआ, हर डेट के बाद एक ब्लैंक रो है, अब सबसे लास्ट में जाना है आपको, तो क्या होगा, 31 बार रुकेगा वो, बात समझ गए ना? तो ए 65,000 जरूरी नहीं है, यहाँ पे एक संभावित लोकेशन डाल दीजिए, 65,000 डाल देता है तो हम 3 में भी काम करेगा, एक संभावित लोकेशन मैंने बता दिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया समझ में कोई डाउट इसमें? नहीं सर, आ गया समझ में, आ गया। हाँ, तो कर्सर को हम इस तरह से मूव करते हैं, अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं जी। अब इसमें अगला ऑप्शन हमारा जो आता है वो आता है यहाँ पे, ये आपने सीख लिया, सिलेक्शन तो सीख लिया ना सर, कि आप कंट्रोल ए कैसे करेंगे। अब पता है कंट्रोल ए जो हम करते हैं किसको ट्रिगर करता है, ये फाइंड होम मेनू आर के फाइंड एंड सिलेक्ट में गो टू स्पेशल, और यहाँ होता है विजुअल से, नहीं विजुअल से करेंट रीजन, इस करेंट रीजन को फॉलो करता है जी। तो इसमें एक दिक्कत और भी होती है, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे इस तरह से दे दिया, फालतू में कोई डेटा डाल दिया हुआ है आपने, तो ये जब कंट्रोल ए जब करेंगे तो वो भी सिलेक्ट हो जाता है। अच्छा, तो उस केस में जैसे हमने बताया आपको कि कंट्रोल राइट एरो से राइट में जाते हैं ना, तो हम कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करेंगे, राइट एरो दबाएंगे तो सिलेक्टेड होके जाएगा, फिर कंट्रोल शिफ्ट डाउन करेंगे तो डाउन में आएगा, ठीक है, तो कंट्रोल शिफ्ट राइट से राइट एंड डाउन से डाउन, समझ गया, कंट्रोल शिफ्ट राइट से राइट एंड डाउन से डाउन, तो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, बट इसमें भी वही कंडीशन है कि कहीं ब्लैंक नहीं होना चाहिए, ब्लैंक नहीं होना चाहिए जी, जी। अब हम बात करते हैं मल्टी सेल सिलेक्शंस की, जैसे मुझे कई सारे सेल्स को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना, छोड़ छोड़ के सिलेक्ट करना है, कंटिन्यूअस सिलेक्ट करना हो तो क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर लेंगे ना, लेकिन इसमें से कुछ कुछ पार्ट को सिलेक्ट करना है,
इसको प्रेस किया, कंट्रोल किया, इसको प्रेस किया, इसको प्रेस किया, इसको प्रेस किया, इसको प्रेस किया, ठीक है, इस तरह से सिलेक्शन कर सकते कहीं भी। अब यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा कि कहीं भी सिलेक्शन कीजिएगा, कहीं भी सिलेक्शन कीजिएगा तो यहाँ इस पे फिल कलर के ऊपर फिल कर दीजिए, मैं कलर कर सकते हैं फिल कलर, बाकी जो फॉर्मेटिंग हो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन आप बोलेंगे कि मैं कॉपी कर लूं, सो कॉपी नहीं होगा। अच्छा समझ गए। अब आपको कॉपी करना है तो एक चीज करना होगा। क्या क्या चीज सर करना पड़ेगा? मैं वही समझा रहा हूं आपको। एक चीज करना ये पड़ेगा कि आपको सिलेक्शन कंटिन्यूअस करना है। जैसे आपने एबीसी किया तो नीचे भी जो सिलेक्शन होगा यहाँ पे वो एबीसी होना चाहिए, तो कॉपी होगा कंटिन्यूअस। या फिर मान लीजिए, जी हाँ, जैसे आपने ए को कर लिया, डी को कर लिया और एच को कर लिया और जे को कर लिया, तो रो वन में आपने इतना किया है चार कॉलम को, तो आप रो फाइव का, रो फाइव का सिर्फ ए नहीं ले सकते, आपको रो फाइव का भी ए करना है, डी करना है, एच एच करना है और ए करना है। अब इसको कॉपी करेंगे, समझ गए? मतलब समझ नहीं आया, क्योंकि सर ये देखिए इसमें दो दो कॉलम छोड़ के हुआ है ना, तो मतलब उसी टाइप से कॉलम से मतलब, कॉलम से मतलब नहीं है, याद रखिए। अगर आपने कॉलम ए में ऊपर सेलेक्ट किया है, कॉलम बी में किया, जिस कॉलम में आपने ऊपर किया है उस कॉलम में आपको नीचे भी करना पड़ेगा। अच्छा 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 जैसे मान लीजिए ना कि आपको डेटा चाहिए, ए चाहिए, डी, डी का चाहिए, ए वन चाहिए, डी वन चाहिए, एच वन चाहिए, के वन चाहिए, तो अगर आपको ए फाइव का डेटा चाहिए तो नहीं होगा, आपको ए फाइव भी लेना पड़ेगा, डी फाइव भी लेना पड़ेगा, एच फाइव भी लगाना पड़ेगा, के फाइव भी लेना पड़ेगा। अच्छा, ऊपर के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यू करना पड़ेगा ऊपर के? जी हाँ, ऊपर के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए किसी और है कि मैंने ए से लेके ए फाइव तक का डेटा ले लिया और मुझे एच का भी चाहिए, तो मैं एच का सिर्फ ए सिलेक्ट कर लूंगा तो कॉपी नहीं करने देगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मुझे एच का जो है पूरा यहाँ से नीचे तक सिलेक्शन फाइव तक लेना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्ट हो पाएगा। समझे, इसको भी लेना पड़ेगा और कंट्रोल के साथ इसको भी सिलेक्ट करेगा। समझ गए। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपने, जैसे कि आपने अलग अलग सेल को सिलेक्ट किया हुआ, इसको सिलेक्ट कॉपी कर लिया हमने, अब अलग अलग है लेकिन जब जहां पेस्ट करोगे वो इकट्ठा ही पेस्ट होगा, अलग अलग पेस्ट नहीं होगा। हाँ, वो तो है, वो तो है सर, क्योंकि उतने ब्लॉक से अलॉट समझ गए, ब्लॉक से अलॉट किए होंगे कॉपी करके, तो उसी ब्लॉक को तो करेगा सर अकॉर्डिंगली टू। जी हाँ, कंटिन्यूअस में करेगा, जिस सीक्वेंस में करेगा, अनसिक्वेंस नहीं करेगा। समझ गए। इसी इसी प्रॉब्लम से वो मल्टी सिलेक्शन नहीं होता है कि आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, यहाँ सेलेक्ट कर लिया, अब इसको कॉपी तो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि इसका कॉपी यहाँ, इसको कॉपी करके पेस्ट की सिक्वेंस में करेगा। हाँ, ये बात है, समझ गया सर, समझ गया, समझ गया ना, तो इसलिए ऐसी प्रॉब्लम हुई। एकदम समझ आ गया सर। तो मल्टी से आपने डायनेमिक माउस से कंट्रोल, माउस सिलेक्शन सीख लिया, कीबोर्ड सिलेक्शन सीख लिया, आपने शॉर्टकट के बारे में सीख लिया, आपने कंट्रोल को डायरेक्ट कर्सर को मूव करना कंट्रोल के साथ, उसका भी यूज आपने सीख लिया, कंट्रोल शिफ्ट का भी यूज आपने सीख लिया, और फिर आपने मल्टी सेल सिलेक्शन का भी रूल समझ लिया। हम बात करते हैं मल्टी सीट सिलेक्शन की। जैसे कि मेरे पास एक फाइल है, इस फाइल के अंदर में बहुत सारे सीट्स हैं, समझे? अब मुझे ए यहाँ पे हर सीट के ए टू और बी टू पे डेट लिखना है, तो आप क्या करोगे? एक पे लिखोगे, फिर कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट करोगे। उससे अच्छा है कि मैं पहले वाली सीट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट की को प्रेस करूंगा, सबसे लास्ट वाले सीट को सिलेक्ट करूंगा। अच्छा, और फिर मैं यहां देखिए लिखता हूं डेट। अब मैं जो भी टाइपिंग कर रहा हूं, जो भी फॉर्मेटिंग कर रहा हूं, वो सारे शीट पे एप्लीकेबल हो रहा है। अच्छा, केवल शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है बस मुझे? जी जी हाँ, यहाँ ग्रुप हो जाएगा, यहाँ ग्रुप दिख रहा है ना आपको कहाँ पे सर? ये लेआउट है,
बुक टू के बगल में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, दिखा दिखा दिखा। हाँ तो ग्रुप हो जाता है, मतलब एक से मल्टीपल सीट सिलेक्ट कर ग्रुप हो जाएगा। देखिए यहाँ पे देख लीजिए, सीट टू पे भी सेम है, सीट थ्री, सीट ये फोर, अलग अलग सीट से। हाँ लेकिन सेम लोकेशन पे। ऐसा नहीं कि सीट वन का आप A5 पे है और सीट टू का B5 पे होगा, नहीं उसी उसी नंबर पे होगा, उसी उसी कॉलम उसी रो जी पे। हाँ उसी, जी हाँ समझे। जी सर। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मुझे सारे सीट पे नहीं करना है, मुझे सीट वन, सीट थ्री और सीट फाइव पे करना है। अच्छा, तो शिफ्ट का यूज नहीं करेंगे, फिर कंट्रोल का यूज करेंगे। यानी इसमें भी काम करता है कंट्रोल और शिफ्ट वाला काम। जी, जी हाँ जी हाँ, कंट्रोल के साथ जो जिसको इसको करना है उस पर क्लिक कर दीजिए और फिर आप यहाँ पे जो काम करेंगे वो सारे शीट पे काम होगा। जी सर। ठीक है, सीट थ्री देख लीजिए, सीट फाइव देख लीजिए, सीट फोर पे नहीं होगा। अच्छा, तो इसमें ग्रुप करके नहीं आया गया सर, जैसे अलग अलग मैंने किया। आएगा आएगा आएगा, इसमें भी आएगा ग्रुप, देखिए ऊपर आ गया ग्रुप। हाँ, आ गया आ गया आ गया सर। ठीक है, अब बात करते हैं फॉर्मूला वगैरह कैलकुलेशन कैसे करते हैं। हालांकि आपको आता होगा फिर भी मैं थोड़ा सा रूल बता देता हूँ। जी देखो कोई भी फॉर्मूला को हम इक्वल से या प्लस से स्टार्ट कर सकते हाँ जी, तो हैं, ठीक है ना। इक्वल से कर लीजिए या प्लस से कर लीजिए, प्लस वाला नहीं फॉर्मूला पता, स्टार्ट कर सकते हैं। प्लस नहीं पता था प्लस सर। से भी स्टार्ट हो, अच्छा, प्लस से भी कर सकते हैं। प्लस लगाने के बाद ऑटोमेटिकली वो इक्वल आ जाएगा। जी सर। हाँ अब मैंने इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो ये आ गया ना सर, आ बट गया। ये प्लस लगा रह गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस वन हो या वन हो क्या फर्क पड़ता है। जी ठीक है, चलिए ये हो गया आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला में एक चीज और होता है, जैसे हमने यहाँ पे कुछ नंबर डाला, ठीक अब मुझे इस नंबर पे 20 ऐड करना है, सारे नंबर पे इक्वल किया और इसको सिलेक्ट किया, मैथमेटिकल साइन का या प्लस का साइन लगाया और 20 करके एंटर प्रेस कर दिया, आ गया यहाँ पे। 105। अब मुझे सब पे लगाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी को ड्रैग कर सकता हूं। तो ड्रैग करने का दो साधन, एक कॉपी करके भी नीचे की तरफ पेस्ट कर सकते हो, कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट कर सकते, जी ड्रैग भी कर सकते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि ए जो है ये बढ़ जाता है, दिख रहा है आपको सर, बढ़ गया। हाँ, नंबर बढ़ गया सर ऑटोमेटिक। A1, B1, A1, B2, A3, A4, A5 हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करेंगे, ये तो वर्टिकल है सॉरी, हॉरिजॉन्टल करेंगे तो क्या होगा, A1, B1, C1 में कॉलम बढ़ेगा। नीचे जब करोगे तो ऊपर से नीचे आओ या नीचे से ऊपर जाओ तो कॉलम रो रो नंबर इंक्रीज डिक्रीज होता है, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट करते हैं तो उसका कॉलम नंबर ऊपर नीचे जाता है। अच्छा, जी सर। ठीक है, जी, क्लियर है। हाँ जी, बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, अब मान ये बेनिफिट है ना हमारा, मान लीजिए ना कि 10 लाख डेटा होता है और ये नीचे इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता तो हर एक सेल पे मैनुअली जाके लगाना पड़ता ना आपको। सर बहुत बड़ा काम हो जाता फिर। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे, जैसे मैंने 820 लिख दिया AD1 पे, अब मुझे पूरे पे D1 का 20 ऐड करना है, तो हमने क्या किया, A1 + D1 कर दिया। अब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करता हूं तो यहां पे क्या हो गया, D2 हो गया। अब जैसे A1 A2 होता है ऐसे D1 D2 भी तो होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ जी सर। तो उस केस में क्या करेंगे, उसमें सर फिक्स करना पड़ेगा और क्या सर, एक सेल को कम से कम। जी हाँ, इसको फिक्स मतलब कि इसके आगे डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। जी सर। हाँ डॉलर का साइन लगाने से क्या होता है, एब्सोल्यूट रेफरेंस हो जाता है। जी सर। तो आपने डॉलर का साइन किस पे लगाया हुआ है, रो के आगे लगाया हुआ है, वन मतलब रो नंबर के आगे। तो टॉप टू डाउन करेंगे तभी वो इंक्रीज डिक्रीज नहीं करेगा, लेकिन अगर लेफ्ट टू राइट करते हैं तो कॉलम बढ़ जाएगा।
बड़ा कॉलम। सर तो आपको क्या करना होगा कि इस डी वन के आगे भी डॉलर, डी के आगे भी डॉलर लगाना पड़ेगा। हाँ जी सर, ठीक है जी जी, फिक्स करना पड़ेगा तो दोनों कॉलम को, दोनों में। तो यहाँ पे हुआ, तो ये था आज हमने सिलेक्शन मेथड के बारे में पढ़ा। और जैसे कि शुरुआत में थोड़ा सा स्लो लेके चलूंगा मैं, ठीक है ना? बिल्कुल सर बिल्कुल, जितना आप ऑब्जॉर्व कर रहे हैं फिर धीरे 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 मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा। तो आज जो है आप प्रैक्टिस कर लीजिए किसकी, सिलेक्शन की अच्छे से, जो जो मैं बताया है उसमें कुछ चीजें पता थी पहले से आपको, लेकिन कुछ चीजें नई आपने सिखाया होगा। बिल्कुल सर बिल्कुल सर, नहीं तो सबकी प्रैक्टिस कर लिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। आज की जो रिकॉर्डिंग है मैं इस कन्वर्ट करके आधे घंटे में आपको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। जी ठीक है सर, ये कल से हम बात करेंगे, कल से हम बात करेंगे फाइल मेनू बार की। सर मैं ये कह रहा था कि टैबलू भी आपने लिखा हुआ, टैबलू क्या होता है सर? टैबलू एक रिपोर्ट विजुलाइजेशन टूल्स है जो कि रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड बनाता है। मतलब इसमें मतलब ये एक्सेल पे ही काम होता है सर, इसमें भी टैबलू? नहीं नहीं, टैबलू एक अलग सॉफ्टवेयर है। अच्छा, टैबलू एक अलग सॉफ्टवेयर है जिससे हम रिपोर्ट्स वगैरह क्विकली बनाते हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ ना आपको, जैसे मैं डैश, मैं रुक जाइए बताता हूँ, दो मिनट दीजिए। इस तरह के जो डैशबोर्ड दिख रहा है ना आपको सर, एक्सेल पे बनाने में घंटों लग जाएगा और टैबलू में विथिन मिनट में बन जाएगा, 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे बन जाएगा। एक्सेल पे बहुत टाइम लगेगा। वो डेटा एक्सेल का ही उठा के रखेंगे ना ये लोग तो सर, इसमें टैबलू में डेटा एक्सपोर्ट करा के मेरे ख्याल से होगा। नहीं नहीं, इम्पोर्ट डेटा एक्सेल और बहुत सारे हंड्रेड ऑफ डेटाबेस से डेटा इम्पोर्ट लेता है, लेकिन आउटपुट टैबलू में ही करता है। आउटपुट एक्सपोर्ट एक्सेल में एक्सपोर्ट नहीं होता डेटा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट है, चार्ट है, जो कि एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। जी, और पावर बी आई भी सेम काम करता है। पावर बी आई, अच्छा सर, ठीक है सर। नेक्स्ट बैच का टाइम कॉल आ रहा है सर, तो स्टार्ट करते हैं कल सेम 6 बजे। वही बताया मैंने आपको, ज्वाइन करने से पहले मुझे एक बार मैसेज डाल दीजिएगा। सर मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे ग्रुप में हम लोग को ज्वाइन करा दीजिए सर, 3-4 लोग रहे बैच में, तो थोड़ा सा सवाल बात है ना कि 6 बजे कोई और, अभी जैसे हमारे पास मोस्टली जो है पढ़ने वाले बच्चे खबरते हैं, काम करने वाले हैं, तो 5:30-6 बजे तो ऑफिस से ही निकलते हैं ना। आपको ग्रुप में चाहिए तो रात को 10 बजे आ जाइए, वहां पे 3 बंदे हैं, सुबह 7 बजे 2 बंदे हैं। 7 बजे तो 10 बजे सर ज्यादा, ठीक है इसी समय रखते हैं सर, अभी 2 दिन नहीं चलते हैं फिर उसके बाद। हाँ फिर कोई आ जाएगा तो स्टार्ट किया है, क्योंकि आपके साथ कुछ ना कुछ आई कोई आ ही जाएगा, फिर ऐसे थोड़ी आप अकेले रहेंगे, कोई आ जाएगा। स्टार्ट करना जरूरी है सर, आते रहते जैसे पता चलेगा तो उसी में मर्ज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। हाँ मर्ज हो जाएंगे, ठीक 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 ओके, थैंक यू सर।